इंडेस में इंडेस 21 बोल के एक इंडेस है जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो साफ बोलता है किसी भी तरह का लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, चाहे एसेट परचेस करने के लिए लिया हो, चाहे बिजनेस चलाने के लिए लिया हो, अगर फॉरेन करेंसी में लोन है तो लोन को रीस्टेट करते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे डॉलर मूव करेगा तो मॉनेटरी आइटम नीड्स टू बी रीस्टेटेड यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। अब उसके चलते फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो उन फ्लक्चुएशंस को पीएल में जाना है। ऑल दोज फ्लक्चुएशंस नीड टू गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? इंडेस 101 ने एक छोटा सा हम लोगों को, छोटा तो नहीं है, रदर बड़ा सा हम लोगों को एग्जेम्पशन दिया। उसने बोला हेलो, बोला कि अगर आपका कोई भी पुराना लोन 1/4/2020 के पहले का है, क्या 1/4/2020 के पहले का है, सुना 1/4/2020 के पहले का, यानी ट्रांजिशन डेट के पहले का है, तो आप उस लोन के लिए जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी पहले फॉलो कर रहे थे, आप उस लोन के लिए वही अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ उस लोन के लिए आगे भी फॉलो कर सकते हो जब तक वो लोन जिंदा रहेगा। बाकी जो लोन आप 1/4/2020 के बाद लिए या लेंगे, उसके लिए आपको इंडेस 21 फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से लोन में होने वाला फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पीएल में ही जाएगा। तो अगर आपका कोई पुराना लोन है जिसके फ्लक्चुएशन को आप एसेट के साथ कैपिटलाइज कर रहे थे, तो आप उस लोन के फ्लक्चुएशन को आगे भी एसेट के साथ कैपिटलाइज कर सकते हो। माने पुरानी पॉलिसी को कंटिन्यू करने का एग्जेम्पशन दिया गया लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन्स के केसेस में। पहले बात थी कि ये एग्जेम्पशन 31/3/2020 तक ही देंगे, 31/3/2020 तक। अभी इंस्टीट्यूट उसके बारे में और कोई नोटिस नहीं लाया, तो अभी लग रहा है कि अगर वो लोन आगे भी चल रहा है आपका, क्योंकि ट्रांजिशन तो लोग 1/4/2015 को ही कर लिए थे ना, तो अभी लग रहा है कि 2021 में 2022 में भी वो एग्जेम्पशन रहेगा। अगर आपका पुराना लोन अभी भी जिंदा है तो यू कैन कंटिन्यू विद द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी जब तक वो लोन जिंदा रहेगा, बस वही लोन। तो पुराने लोन्स के लिए यू कैन कंटिन्यू विद द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आप पूरा बात सुनिए, सर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी मींस व्हाट? मींस हम जो पहले इंडेस के पहले हम जो करते थे, तो सर पहले तो आप AS 11 फॉलो करते होंगे, AS 11 फॉलो करते होंगे। आंसर इज यस। तो सर AS 11 क्या बोलता था? AS 11 में एक पैरा है, पैरा 46A, हम आपको इंडेस 21 पढ़ाते वक्त भी लिखाए हैं, पैरा 46A है। सर वो क्या बोलता है? वो बोलता है, ये मैं पढ़ा रहा हूं AS 11 पैरा 46A, इसको इलाबोरेटली बोलूंगा, सेम पैरा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इंडेस 21 में आधा घंटा, रिपीट कर रहा हूं। यह पैरा बोलता है कि अगर एक एंटिटी फॉरेन करेंसी लोन लेता है, डॉलर में कोई लोन लिया और उससे कोई असेट परचेज करता है, तो एंटिटी के जो फॉरेन करेंसी लोन में जो फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी लोन एवरी ईयर एंड पे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से रीस्टेट करना पड़ता है। तो मान लो आपका अगर 1 करोड़ डॉलर का लोन है और आज जब लिए थे तो 70 रुपया का एक्सचेंज रेट था, तो आपने 70 करोड़ में लिखा था, एक साल के बाद एक्सचेंज रेट 75 हो गया, तो आपको लोन को 75 करोड़ में लाना होगा, बिकॉज लोन बीइंग ए मॉनिटरी आइटम आपको रीस्टेट करना ही पड़ेगा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ये AS 11 में बोला। अब बोला रीस्टेट करोगे तो 5 करोड़ रुपया का लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो आपको लॉस लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए पैरा 46A आया था। 46A में बोला हुआ है कि एंटिटी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो 5 करोड़ के लॉस को पीएल में भेज दे, वो चाहे तो 5 करोड़ के लॉस को कैपिटलाइज कर दे। ये मैं कौन सा AS पढ़ा रहा हूं? ठीक से बोला, अभी मैं कौन सा AS पढ़ा रहा हूं? AS 11
पैरा 46 ए एग्जिस्टिंग एएस, ये एग्जिस्टिंग एएस में ये छूट था। तो अगर कोई एंटिटी पीएल में पॉलिसी लिया है कि हमको लॉस को पीएल में ही भेजना है, तो वो आगे भी पीएल की पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता है। अगर उसने पॉलिसी लिया था कि मैं कैपिटलाइज करूंगा, तो वो आगे भी कैपिटलाइज करने वाली पॉलिसी को फॉलो कर सकता है, पर सिर्फ उसी लोन के लिए जो लोन पुराना ट्रांजिशन डेट के पहले का है। नया लोन में तो आपको 1420 इंड एज 21 को फॉलो करना ही पड़ेगा, और इंड एज 21 कहता है कि सारे तरह के फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पीएल में जाएंगे, चाहे वो एसेट खरीदने के लिए लिया हो, चाहे किसी भी काम के लिए लिया हो। तो इंड एज 101 ने खाली इतना छूट दिया कि एन एंटिटी कैन कंटिन्यू विथ दी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर देयर एग्जिस्टिंग फॉरेन करेंसी लोन्स एग्जिस्टिंग प्रायर टू द ट्रांजिशन डेट। ओके, अर्लियर दिस एग्जेम्पशन वॉज देयर टिल 31/3/2020, बट नाउ इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, तो ऐसा लगता है कि ये आगे भी चलेगा, 2021 में भी चलेगा, 2022 में भी चलेगा। अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, फुल स्टॉप। क्लियर? अब तुम सोचो कि कोई एंटिटी के पास 2016 से कोई लोन है और उसका 2020 में उसका आज ट्रांजिशन डेट है, 1420 को ट्रांजिशन डेट है, वो अपना बैलेंस शीट को इंड एएस से बना रहा है। अब उसका फॉरेन करेंसी लोन है, अब उस लोन में रेडी, अब उस लोन आज के दिन वो लोन 75 करोड़ में है और 5 करोड़ रुपया वो ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुका है। क्या बोला? 5 करोड़ रुपया वो ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुका है और उसने डिसाइड किया आई विल कंटिन्यू विथ माय एग्जिस्टिंग पॉलिसी। मतलब क्या? आगे भी जो फ्लक्चुएशन आएगा कैपिटलाइज करता जाएगा, पर सिर्फ इसी लोन के लिए, क्योंकि ये लोन ट्रांजिशन डेट से पहले का है। नया लोन पे इंड एज 21 फॉलो करना होगा, जिसके हिसाब से उसको लॉसेस को या प्रॉफिट्स को पीएल में ही भेजना पड़ेगा। क्लियर? अब एक घुमाने वाला क्वेश्चन, गुगली। मान लो 14 पुराना मेरा लोन है 2016 वाला, और हम पीएल में डालने की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। कौन सा? पीएल में डालने की एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। इंड एज 101 ने बोला यू कैन कंटिन्यू विथ योर ओल्ड पॉलिसी फॉर द एग्जिस्टिंग लोन। सुनना, हमने सियाणापंथी क्या लगाया कि एक काम करते हैं, हम चेंज करके कैपिटलाइज कर लेते हैं 1420 को, और फिर 1420 से इस लोन पे कैपिटलाइजेशन कर लेंगे आगे। नहीं समझे? तो 1420 को अगर हम बोलेंगे हम अपनी पॉलिसी चेंज करके कैपिटलाइजेशन करना चाहते हैं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इवन जो एस 11 भी था ना, उसने बोल दिया था वन सिलेक्टेड सिलेक्टेड फॉर एवर। एस 11 में जब सिलेक्शन की बात हुई थी ना, ये वाली ऑप्शन की, तो उसमें था इरिवोकेबल ऑप्शन है ये।